अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम प्रोफेसर जान स्पीकिंग फ्रॉम स्पीरे कॉलेज कारगिल। टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 9 फ्रॉम द पॉइंट बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। डेथ इज पर्सोनिफाइड इन दिस वेरी पॉइंट। Death is not the opposite of life, but a part of it. Death ends life, not a relationship. According to normal cousins, death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. In the fourth stanza, the poet Emily Dickinson says, "Or rather, he passed us. Ya wo tamam natural scenes, natural scenario, hamare paas se guzre, jisme bache khel rahe the, गेजिंग ग्रेन और सैनिक सन के पास से हम गुजरे या वो हमारे पास से गुजरे। हमारी मौत की गाड़ी इटर्निटी की तरफ रवाना थी। द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल। ड्यूज मीन शबनम के कतरे, ऑस कंडेंसेशन मिस्ट मॉइस्चर water droplets, precipitation or liquefaction, shabnam ke katre, quivering, kaap rahe the, and chill, cold, bahut zyada sardi thi, hum timelessness ki taraf ja rahe the, infinity, immortality, हमेशा की जिंदगी की तरफ जा रहे थे। हमारी गाड़ी लाइफ आफ्टर डेथ उसकी जानब रवा दवा थी। फॉर ओनली गॉसमर माय गॉड, सर्दी से भी लग रही थी कि मेरा जो गांव था सिर्फ गॉसमर था। गॉसमर इज वेरी फाइन डेलिकेट मटीरियल, जिस तरह हमारे मुस्लिम कंट्रीज में कफन होता है, वहां कफन गासमिनी स्लीजी कापर फरौती बहुत नरम नाजुक कपड़ा होता है। माई टिपट, टिपट एक किस्म का लिबास है, गुलूबंद है, जिसको जनाना गुलूबंद भी बोलते हैं। टिपट के सिनोनिम में बर्था, कैपोट, कार्डिनल, डॉर्मन, फिशू, मेंटिला और वेन डाइक है। और इसी वर्ड टिपट से पता चलता है कि दिस वेरी पॉइंट इज रिटन बाय अ वुमन। ओनली ट्यून, ट्यून मीन डेलिकेट थिन फैब्रिक, ये भी नरमो नाजुक एक ब्रीक सा कपड़ा होता है। ट्यून मीन फिश नेट, बॉबी नेट, फिलिग्री, मार्की सेट, ये भी नाजुक सा कपड़ा होता है जो मौत के वक्त यूरोप में खवातीन को पहनाया जाता है। तो दिस स्टैंजा शोज दैट दिस वेरी पोएम इज रिटन बाय अ वुमन। वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। पॉज बी स्टॉप्ड, हमारी मौत की गाड़ी रुकी बिफोर अ हाउस, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, एक घर के सामने। That seemed
जो लग रही थी स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, जमीन से उभरी हुई, स्वेलिंग मीन सूजन, उभरी हुई जमीन से लग रही थी, स्वेलिंग मीन बम्प, लंप, बल्ज, इंफ्लेमेशन और पर ट्यूबरेंस, जमीन से उभरी हुई थी, जिसको हम कबर कहते हैं इंग्लिश में ग्रेव, ग्रेविंग वॉल्ट, स्पल्कर और टूम, कबर। मुस्लिम का अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा है, क्रिश्चियंस का भी अकीदा है कि मुर्दे को दफनाया जाता है, बी बेरी, वो पुट ओ हाइड इन अंडरग्राउंड, हम दफनाते हैं। लेकिन हिंदू जो है वो जलाते हैं मुर्दे को, हिंदूज इग्नाइट और कंफ्लेग्रेट द डेड बॉडी। इसका कंसेप्ट हमें हबील और कबील के वाक्य से भी मिलता है कि जब वो एक कत्ल हो गया, हबील ने कबील को कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ताला की तरफ से दो कौवे आए, एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया और उस कौवे ने दूसरे कौवे उठाया और बाहर एक वीरान जगह पे ले गया और वहां पर उसने एक गड्ढा खोदा और उस कौवे को वहां पे दफन कर दिया। ये अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया कि जब कोई इस दुनिया से मर जाए, फौत हो जाए, तो उसको किस तरह दफनाना है, इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ किस तरह रुख करना है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेव इन आवर इस्लाम। इस्लाम में कब्र का कंसेप्ट है, जबकि हिंदुइज्म में नहीं है। वो आवागमन की थ्योरी पर अमल करते हैं, सात जन्म। द रूफ वाज स्केर्सली विजिबल, शायरा कहती है छत बमुश्किल नजर आ रही थी, स्केर्सली मीन हार्डली, ओनली जस्ट और बेयरली, बमुश्किल दिखाई दे रही थी, कैन बी सीन द कॉर्नर्स इन द ग्राउंड, जमीन में एक बड़ा वो किनारा था, कॉर्नर्स मीन प्रोजेक्शन, मोल्डिंग लाइक अ क्राउन और फ्रेम, एक फ्रेम की तरह एक बड़ा वो किनारा था जमीन के ऊपर, और इस तरह मेरे मरने के बाद मुझे कब्र में दफना दिया गया। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएटस टॉक्स अबाउट द इमोर्टैलिटी, लाइफ, इंफिनिटी, डिविनिटी और टाइमलेसनेस। शी सेड सिंस देन दिस इज सेंचुरीज एंड येट, उस वक्त से लेकर आज तक सदियां गुजर गई हैं, मुझे मरे हुए सदियां गुजर गई हैं, येट फील शॉर्टर देन द डे, इस तरह लगता है कि एक दिन से भी कम वक्त हुआ है। ये बिल्कुल ये कंसेप्ट इज वेरी नियर टू आवर रिलीजन इस्लाम। ये कुरान पाक में है, अल्लाह ताला इंसान से पूछेगा, ए मेरे बंदे दुनिया में कितनी जिंदगी गुजारी, तो इंसान कहेगा या अल्लाह मैंने इस दुनिया में एक दिन रहा होगा या आधा दिन गुजारा होगा, और इसकी जिंदा मिसाल कुरान पाक में असहाबे काफ का भी वाकया है, जो अभी तक गार में सो रहे हैं। आई फॉर सरमाइज्ड द हॉर्स हेड्स, सरमाइज मी गेस्ट कंजेक्चर, मैंने अंदाजा लगाया, मैंने गेस किया पहले कि ये हॉर्सेस हेड्स हैं, घोड़ों के सर हैं,
इन एंजल्स हैव कम, एंजल्स आए हैं मुझे ले जाने के लिए अपनी जिंदगी की जान, हमेशा की जिंदगी की तरफ, वो टुवर्ड्स इटर्निटी, मुझे इंफिनिटी की जान ले जाएंगे, डेथलेसनेस जहां मौत नहीं आएगी, हमेशा की जिंदगी है, बीटिट्यूड ओ टाइमलेसनेस। तो बेटा ये स्टेंजा भी आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करने हैं, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी आपने याद करना है और लिखना है। थैंक्स।